Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 10 subject English unit 2 reading C Uncle Poser Hangs a Picture. And today's video lecture we will see some important question answers. So let's start. Do you think the children in the house were fools about them? यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो बच्चे थे यानी घर में जो बच्चे थे क्या वे मूर्ख थे और अंकल पोजर जो है ऐसा उनके बारे में क्यों सोचते हैं. सो आंसर द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस वर नॉट फूल्स बट अंकल पोजर थॉट सो बिकॉज ही वॉज अनेबल टू हैंग द पिक्चर्स ही वॉज डूइंग द मिस्टेक वन आफ्टर द अदर एंड ब्लेम्ड द चिल्ड्रन. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो घर में जो बच्चे थे वो मूर्ख नहीं थे वो फूल नहीं थे. अंकल पोजर को ऐसा लगा वो ऐसा सोचे क्यों सोचे क्योंकि वो क्या करते थे वो अपना जो काम है यानी पिक्चर को हैंग करने का काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे एंड जब वो कर रहे थे तब वो एक के बाद एक गलती दोहरा रहे थे एक के बाद एक गलती कर रहे थे और इस तरह से उन्होंने क्या किया उन्होंने बच्चों पर ब्लेम लगाया कि जो बच्चे हैं वो मूर्ख है अपना जो काम है वो तो नहीं कर पा रहे थे लेकिन सारा ब्लेम वो बच्चों पे लगा रहे थे कि बच्चे मूर्ख है इसी वजह से ये काम नहीं हो रहा है यानी जो तस्वीर को दीवार पे टांगने का जो काम है वो नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है डिस्पाइट टेलिंग दैट ही वुड हैंग द पिक्चर हिमसेल्फ बट वॉज अंकल पोजर नॉट एबल टू डू इट. यहाँ पे कहा जा रहा है डिस्पाइट मीन्स के बावजूद तो जो अंकल पोजर है वो ये कहने के बावजूद कि वो पिक्चर को स्वयं टांग देंगे वो ऐसा करने में क्यों समर्थ नहीं हो पा रहे थे. सो आंसर अंकल पोजर वॉज अनेबल टू हैंग द पिक्चर बिकॉज ही कुड नॉट मैनेज हिज वर्क प्रॉपरली दैट इज़ वाई ही वॉज मर्डर्ड. मर्डर्ड मीन्स होते हैं चकराना यानी चकरा गए थे. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अंकल पोजर थे वो पिक्चर को लटकाने में असमर्थ हो रहे थे. क्यों हो रहे थे क्योंकि ही कुड नॉट मैनेज क्योंकि वो अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे एंड इस तरह से उनका जो दिमाग है वो चकराने लगा था और इस तरह से वो जो है पिक्चर को हैंग नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर इज़ इनकम्प्लीट राइट व्हाट हैपन आफ्टर अंकल पोजर ड्रॉप्ड द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पिक्चर को तस्वीर को दीवार पे टांगने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ था जिससे ऐसा लगता है कि जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट है. एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि कल्पना करना है कि आगे क्या हुआ होगा यानी जो हैमर है हैमर के ड्रॉप होने के बाद आगे क्या हुआ होगा. सो यहाँ पे हम कल्पना करके अपने हिसाब से बता सकते हैं कि अंकल पोजर्स थंब वॉज वांडेड व्हेन ही अटेम्प्टेड फर्स्ट टू पुट द नेल बट आफ्टर सम डेज When his wounded thumb was healed, he would have again hammered the nail and hang the picture. So, आगे कहा जा रहा है कि हम इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि जो स्टोरी है उसमें जो तस्वीर टांगने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ था बट आगे उनका उनके हाथ में जो घाव हुआ था वो कुछ दिनों बाद ठीक होने के बाद वो फिर से हैमर लिए होंगे हैमर से फिर वो जो है नेल को दीवार पे गड़ाए होंगे एंड देन जो पिक्चर है उसको टांगे होंगे. सो इस तरह से जो स्टोरी है वो आगे हम कल्पना कर सकते हैं कि स्टोरी इस तरह से हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन फोर एक्शंस दैट मेक अंकल पोजर फनी कैरेक्टर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी फोर एक्शंस दिखाने हैं कोई भी फोर एक्शंस लिखने हैं जिसमें ये पता चलता है कि जो अंकल पोजर के जो कैरेक्टर है वो फनी कैरेक्टर है. So answer, four actions that prove Uncle Poser a funny character are following. First क्या है To send the maid out for six penny worth of nails and then to send one boy to tell after coming back the maid was sent again to take a picture card. So यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो maid है जो नौकरानी है उनको पहले भेज देते हैं सिक्स पैनी की कीमत की जो केल आती है उसको ले जाने लेने के लिए और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जो लड़का है कोई लड़का है उसको फिर से भेज देते हैं कि वो सिर्फ उसकी साइज़ बताएंगे. सो इस तरह से उसके बाद
to find his handkerchief from the pocket of his coat and he forgets the place he put. A test he knew that he was sitting on his coat while he was calling out to find it. उसके बाद क्या होता है? Again, वो जो है अपना जो कोट है, अपने जो कोट है उस कोट में वो रुमाल रखे होते हैं और वो रुमाल को ढूंढ रहे होते हैं. जब उनकी हाथ कट जाती है तब वो रुमाल ढूंढ रहे होते हैं, यानी हैंडकरचीफ ढूंढ रहे होते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि वो अपना कोट कहाँ रखें, क्योंकि जो रुमाल होता है वो कोट में होता है, कोट की जेब में होता है. एंड देन वो अपना कोट ही भूल जाते हैं कि कोट कहाँ रखे हैं, और सारे लोग ढूंढने लग जाते हैं. बाद में पता चलता है कि वो उसी कोट में वो बैठे हुए होते हैं, यानी वो जो चेयर रहती है उसी चेयर में कोट रखे रहते हैं और उसी कोट के ऊपर वो बैठे हुए रहते हैं. सो बाद में पता चलता है. तो इस तरह से इनकी जो एक्शंस है, इनकी जो एक्शंस है उनसे पता चलता है कि उनका जो कैरेक्टर है वो फनी है. नेक्स्ट है, व्हाट डिड आंट मारिया से व्हेन अंकल पोजर यूज्ड बैड लैंग्वेज, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंट मारिया है उन्होंने क्या कहा जब अंकल पोजर ने बैड लैंग्वेज का यूज़ किया. सो ये जो बातें हैं वो आंट मारिया के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है. सो आंसर, व्हेन अंकल पोजर यूज्ड बैड लैंग्वेज, अंकल आंट मारिया सैड दैट सी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड अराउंड एंड हियर सच लैंग्वेज. सो जब अंकल पोजर ने बैड लैंग्वेज का यूज़ किया, तब जो आंट मारिया है उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को ये कभी अलाउ नहीं करेंगी कि उनके बच्चे यहाँ आएंगे, ऐसी जगह में आएंगे जहाँ पे इस तरह के लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं. सो इस तरह से उनका जो कैरेक्टर है वो इस तरह से है कि वो बुरी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती थी, यानी जहाँ पे गलत होता था, कोई भी गलत काम होता था वहाँ पे वो जो है आवाज़ निकलती थी, यानी वो कुछ ना कुछ कहती थी, यानी कुछ ना कुछ वो एक्शन लेती थी. नेक्स्ट है, डिड आंट मारिया हैव कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोजर विल हैंग द पिक्चर, क्वॉट द लाइन दैट मेक्स यू थिंक सो. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंट मारिया है क्या उनको ये विश्वास था कि जो अंकल पोजर है वो पिक्चर को हैंग कर पाएंगे. तो इसके बारे में कहना है जो कि हमें ये मजबूर करते हैं कि हम इस चीज़ को सोचें. सो आंसर, आंट मारिया वॉज नॉट इन कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोजर वुड हैंग द पिक्चर, द फॉलोइंग लाइन्स मेक अस टू थिंक सो. सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आंट मारिया है उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि अंकल पोजर पिक्चर को हैंग कर पाएंगे. तो ये बातें हैं, जैसे आंट मारिया वुड से क्वाइटली दैट नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल, सी होप्ड ही लेट हर नो इन टाइम सो दैट सी कुड मेक अरेंजमेंट्स टू गो एंड स्पेंड अ वीक विथ हर मदर व्हाइल इट वॉज बीइंग डन. सो यहाँ पे एक बात है जो ये बताती है कि जब अंकल पोजर जो है अपना काम नहीं कर पा रहे थे, यानी जो नील को, यानी जो किल है उसको दीवार पे ठोकने का काम वो नहीं कर पा रहे थे, तब जब आंट मारिया है वो ये कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब अंकल पोजर ये काम करेंगे तब वो पहले से ये चीज़ इन्फॉर्म कर देंगे कि वो ये काम करने वाले हैं. तब ये कहती है कि वो उस दौरान वो अपने बच्चों को साथ में लेकर के वो अपने माँ के यहाँ चली जाएंगी एक सप्ताह के लिए, तब तक जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए वो वापस नहीं आएंगी. क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो उनके कामों से काफ़ी वो परेशान हो चुकी थी, उनको विश्वास ही नहीं था कि वो छोटे से काम को भी नहीं कर पा रहे थे. सो ये बातें ये दर्शाती है कि आंट मारिया को बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं था कि अंकल पोजर जो है वो पिक्चर को हैंग कर पाएंगे. नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स डिड अंकल पोजर फेल टू हैंग द पिक्चर. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितनी बार जो अंकल पोजर है वो पिक्चर को हैंग करने में असफल रहे. लिस्ट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी. सो यहाँ पे स्टोरी से एक लिस्ट बनानी है. आंसर, अंकल पोजर फेल 3 times टू हैंग द पिक्चर. जो अंकल पोजर है वो 3 बार असफल हुए पिक्चर को हैंग करने में. फर्स्ट, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड द पिक्चर एज इट टुक टू हैंग एंड इट केम आउट ऑफ द फ्रेम. फर्स्ट बार में वो
पिक्चर को लिए और ड्रॉप कर गए, और जिससे जो पिक्चर है वो फ्रेम से बाहर आ गई एंड उसके हाथ में भी चोट आ गई थी. सेकेंड टाइम ही ट्राइड बट द नेल वॉज नॉट इन हैंड एज इट ड्रॉप्ड डाउन. सेकेंड टाइम में क्या हुआ, सेकेंड टाइम वो ट्राई ही किए थे कि उनके हाथ से जो नेल है, जो किल है, वो छूट गई और वो नीचे ड्रॉप हो गई. थर्ड टाइम आफ्टर लूजिंग द स्पोर्ट फॉर नेल ही फाउंड इट अगेन एंड ट्राई टू मार्क द पॉइंट ऑफ द नेल विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड. एट द फर्स्ट अटेम्प्ट ही वुड स्ट्राइक हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर विथ अ लाउड क्राई ऑन समबडीज टोस. एंड तीसरी बार क्या हुआ कि वो स्पोर्ट को ही भूल गए थे और अंततः स्पोर्ट को पाने के बाद अपने लेफ्ट हैंड में वो एक किल लिए हुए थे, नेल को लिए हुए थे, एंड राइट हैंड में वो अपना हैमर लिए हुए थे. अब वो जैसे ही स्ट्राइक किए तो अपने ही थंब को वो स्ट्राइक कर दिए और उनके थंब में चोट आ गई एंड उनके हाथ से जो हैमर है वो नीचे छूट गई और किसी के टो में वो गिर गई. अब जब किसी की टो में गिर गई तब वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी. सो इस तरह से वो 3 times वो असफल हो गए. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है रीड द इंसिडेंट्स गिवन इन द टेबल बिलो एंड पिक आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब अंकल पूजन. यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, कुछ घटनाएं दी हुई है और इन घटनाओं से अंकल पूजर के कैरेक्टर के बारे में कौन सी विशेषता झलकती है उसके बारे में बतानी है, यानी कौन से एडजेक्टिव्स हैं विशेषण. सो फर्स्ट है ही ड्रॉप्ड द पिक्चर हैमर एंड नेल. उन्होंने क्या क्या चीज़ें ड्रॉप किए, पिक्चर हैमर एंड नेल. सो इससे उनके कौन से कैरेक्टर दिखाई देती है, यहाँ पे आ जाएगा केयरलेस. वो क्या थे, लापरवाह थे. ही टुक ऑफ हिज कोट एंड डिडंट नो दैट ही वॉज सिटिंग ऑन इट. उन्होंने अपना कोट उतारा और वो भूल गए कि वो कहाँ रखे थे और अंततः ये पाया गया कि वो उसी कोट के ऊपर वो बैठे हुए थे. इट मीन्स इससे क्या बातें पता चलती हैं उनके बारे में. सो वो थे फॉरगेटफुल, भुलक्कड़ थे. सो यहाँ पे आ जाएगा फॉरगेटफुल. नेक्स्ट है एंड ही वुड टेक द रूल एंड मेजर अगेन एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ ऑफ 31 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड. यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो क्या किए, पहले मापक लिए, फिर मापने स्टार्ट किए, क्योंकि वो जो स्पॉट है वो भूल गए थे कि नील को कहाँ पे ठोकनी है, और उसके बाद वो मापने स्टार्ट किए और कॉर्नर से 31 inch का आधा एंड 3/8 inch इस तरह से वो मापे और उसके बाद मापने के बाद वो भूल गए. सो इससे क्या जानकारी मिलती है कि वो कैसे थे, क्लम्सी थे, यानी बेढंगा, क्योंकि तरह तरह की मापे करने लग गए और मापने के बाद पता चलता है कि बाद में उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ. सो वो क्या थे, बेढंगा टाइप के. नेक्स्ट है ही शाउटेड एट ऑल द चिल्ड्रन फॉर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द कोट when he was sitting on it himself. So यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो चिल्लाए, सारे बच्चे हैं जितने भी बच्चे थे उन पर चिल्लाए. क्यों चिल्लाए, for not being able to find the coat, यानी कोट को ना पाने पर वो जो है सब पर चिल्लाने लग गए और बाद में पता चला कि वो खुद स्वयं उसी कोट पर बैठे हुए थे. सो इससे क्या जानकारी मिलती है कि वो कैसे थे, वो थे इम्पेशेंट. क्यों, क्योंकि वो धैर्य नहीं रख रहे थे कि वो जल्दी से पाने की कोशिश कर रहे थे ना कोर्ट को जल्दी से जल्दी मिल जाए और बाद में पता चलता है कि वो खुद बैठे हुए थे. सो इससे उनके इम्पेशेंट होने की जानकारी मिलती है. तो वो इम्पेशेंट थे. नेक्स्ट है
He sent the mat to get nails without telling what size. वो क्या किए, वो नौकरानी को भेज दिए नेल को लाने के लिए, और भेज तो दिए बट बिना साइज को बताए हुए, फिर बाद में किसी दूसरे लड़के को भेजे. सो इससे उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, डिसऑर्गेनाइज्ड. डिसऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित, वो व्यवस्थित ढंग से काम नहीं करते थे, अव्यवस्थित ढंग से वो काम करते थे. नेक्स्ट है, ही सेड इवन अ कोड कैन फाइंड थिंग्स दैट हिज फैमिली कैन नॉट. यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो काम है, इस काम को ही सेड इवन अ कैट, यानी ये जो काम है यानी कोड को ढूंढने का जो काम है, उसे एक बिल्ली भी कर सकती है जिसे तुम लोग नहीं कर सके. यानी अपनी फैमिली को क्या कर रहे थे, ब्लैम कर रहे थे. सो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैम्स अदर्स. इस तरह से तो वो जो है क्या कर रहे थे, ब्लैम कर रहे थे. सो इस तरह से इन सारे इंसिडेंट से ये पता चलती है, ये बात की पता चलती है कि वो किस टाइप से बिहेव कर रहे थे. सो उनकी कौन कौन सी जो विशेषता है, यानी कौन कौन से एडजेक्टिव्स है, विशेषण है, वो जानकारी हम ले सकते हैं. सो इस तरह से हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.